भविष्य में, भविष्य में शब्द है ना, या ऐसा ते तपति नाम है सावित्री अवरजा सुता ताम त्वाम संवरणस्यार्थे वरयामि विभावसो। पिताजी के पास जब प्रसंग गया महर्षि, यहाँ भी अनाचरण की बात देखिए, महाराज प्रति वर्ष व्यास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सौभाग्य है कि आप इस चित्रकला प्रतियोगिता की संयोजिका हैं और प्रति वर्ष इसका संयोजन कर रहे हैं। कैसा लगता है इन बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर? क्या आप अपेक्षा करती हैं? आप व्यास महोत्सव को किस रूप में देखना चाहती हैं और कहां तक ले जाना चाहती हैं? व्यास महोत्सव की जब प्रथम परिकल्पना हुई थी और इसकी प्रथम बैठक हुई थी, तभी से मैं इससे जुड़ी हुई हूं और तभी से विभिन्न विचार जन्म लेते रहे हैं। शुरू से ही चित्रकला प्रतियोगिता की मैं संयोजिका रही। इन बच्चों का इतना उत्साह रहता है इस प्रतियोगिता में भाग लेने का, महाभारत से जोड़ने का, महाभारत के विविध प्रसंगों से जोड़ने का, कि कितना ही मेरे पास समय अभाव हो लेकिन मैं इस चित्रकला प्रतियोगिता के लिए समय निकाल लेती हूँ इसे आयोजित करने के लिए। और वाराणसी में मैंने महसूस किया है कि बच्चे पूरे वर्ष इस प्रतियोगिता का इंतज़ार करते हैं कि मैडम महाभारत वाली प्रतियोगिता कब होगी। पिछले साल नहीं हुआ था ये व्यास महोत्सव, जो भी स्थितियां रही हों, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि प्रतिवर्ष निर्बाध गति से व्यास महोत्सव होता रहे और राष्ट्रीय स्तर की जो इसकी परिकल्पना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसमें हम सब सफल हों। हम हुए भी हैं सफल, क्योंकि दो बार मैंने 2010 में और 2011 में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शिविर भी लगाया है। तो चित्रकला के माध्यम से मैंने बच्चों को जोड़ा है, छठवें क्लास से लेकर 12वें क्लास तक के बच्चों को जोड़ा है, उसके बाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च स्कॉलर्स को जोड़ा है, और जो फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं या जो कला शिक्षक हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स या अन्य टीचर, तो उस कला शिविर के माध्यम से 12 कलाकार, 10 कलाकार, इतने में 12 में बुलाती रही हूँ। तो राष्ट्रीय स्तर के लोग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कलाकार हमें उस समय दिल्ली या वाराणसी में उपलब्ध हो जाते हैं, उनको भी मैंने महाभारत की कहानियाँ और विविध प्रसंग बता के उनको भी जोड़ा है। तो इटली की भी कलाकार और अमेरिका की और इज़राइल की ये कलाकार हमारे साथ इससे जुड़ चुकी हैं। मैं चाहूँगी कि सरकार इसका बजट और बढ़ाए और अच्छे ढंग से इन कला शिविरों को और कला प्रतियोगिताओं को हम ऑर्गेनाइज कर सकें। और उत्साह सभी का है, सिर्फ इसको विधिवत दिशा देने की बात है। समय से यदि मीटिंग्स होती रहें और उस पर निर्णय लिए जा सकें, तो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इसका बनने में हमें समय नहीं लगेगा और भारत की एक विशिष्ट पहचान निश्चित तौर पर बनेगी। और इसमें हमें प्रशासनिक सहयोग मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। समय से यदि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान एक अगले साल की प्लानिंग करीब 6-8 महीने पहले से ही विधिवत करने लगे, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा आयोजन संस्थान का रहेगा। और बच्चों के चित्र देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और इतने खुश होकर ये बच्चे इन चित्रों को बनाते हैं कि एक मन में प्रसन्नता होती है, अपनी संस्कृति से लगाव होता है और बच्चों को हम कुछ दे रहे हैं ये विचार भी प्रसन्नता देता है और शांति और संतोष देता है हमारे मन को। तो मैं चाहूँगी कि ये बहुत अच्छे ढंग से आप लोग करते रहे हैं। और जगदानंद जी की मेहनत तो मैंने इस बार देखी है कि ऑनलाइन इन्होंने इसका बहुत अच्छे से काम किया है, और चाहे रात को 11 बजे हों, 10 बजे हों, इन्होंने बराबर पूरे पूर्ण मनोयोग से इस बार इसके चित्रकला प्रतियोगिताओं का और अन्य समाचारों का इन्होंने फेसबुक पर सारे न्यूज़ अपलोड की, विगत वर्षों के चित्र भी अपलोड करते रहे हैं। तो उससे एक संस्कृत संस्थान इतना बड़ा काम करता है या इतना बड़ा ये राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होता है, इसकी जानकारी फेसबुक तो सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो उससे इस बार मुझे लगा कि संस्कृत वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जिस ढंग से जुड़े हैं, दैट इज़ क्वाइट रिमार्केबल एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, स्पेशली विथ हिज एफर्ट्स। और सभी के एफर्ट्स हैं वो तो मैं जानती हूँ, कोई भी काम किसी एक व्यक्ति के एफर्ट से नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन होने से, उसका पेज बनने से, और इन्होंने जो सारी न्यूज़ फेसबुक पर अपलोड की,
डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। और अगले साल से मैं ये भी चाहूँगी कि ऑनलाइन फॉर्म इन्होंने इस बार भी किए थे, लेकिन मुझे नहीं पता अगर विधिवत हम इसका और करेंगे नेक्स्ट ईयर से, तो जितने भी एप्लीकेंट्स स्कूल के हैं वो सब ऑनलाइन फॉर्म भर के, और हमारे पास पहले से ही संख्या रहेगी कि 200 का पार्टिसिपेशन है या 250 का या 300 का, तो निश्चित संख्या हमें मालूम हो सकेगी। और हम बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को मैं ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ और हम इसमें कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये हमेशा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिवानी, माई नेम इज शिवानी, मैं केंद्रीय विद्यालय बीएचयू वाराणसी की स्टूडेंट हूँ। और ये व्यास महोत्सव हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और ये हमेशा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा होता रहे। और मेरी टॉपिक है दूत कला की उपकर्ष में। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं सेंट जॉन स्कूल DAW वाराणसी से आई हूँ। मुझे इस बारे में पता चला जब मैं बाहर जा रही थी तो किसी आदमी ने बोला कि ना क्या तुम, मैं ड्राइंग बना रही थी तो एक आदमी ने बोला कि क्या तुम यहाँ पर BHU में प्रतिभा वाला एक चित्रकला कॉम्पिटिशन हो रहा है, क्या आप उसमें भाग ले सकती हैं। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, तो मैं वहाँ से आई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो बच्चों को प्रतिभा को बाहर निकालना जाता है, जिस प्रकार से वो बना सके। और यहाँ पर अन्य टॉपिक दिए गए जैसे कि अर्जुन के रूप में विहंगला और अन्य टॉपिक, जिसके हिसाब से मैंने तो महर्षि वेद व्यास को बनाया, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कंपटीशन ऐसे चलता रहे, मेरी यही शुभकामनाएं। मेरा नाम रोशन कुमार, मैं श्री रामकृष्ण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से आया हूँ। यहाँ मुझे मिला था प्रोजेक्ट बनाने के लिए कि कर्ण अर्जुन और शिव का युद्ध, जो मैंने बढ़िया बनाया, बाकी और सर लोग के ऊपर है जो हमको नंबर मिला। पढ़ती हूँ और मैं सेंट जॉन्स स्कूल DAW से आई हूँ। और यहाँ पे आकर के मुझको अपने से भी अच्छे चित्रकला बनाने वालों को जानने को मिला, और मुझे यहाँ पे आकर के पता चला कि है ना ड्राइंग की कोई सीमा नहीं है। और इसके और जिन विषयों पे मैं पहले बनाती रही हूँ उससे विभिन्न उससे अलग हट के विषयों पे बनाने को यहाँ पे विषय मिले, और मैंने अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है जिससे मैं अच्छी ड्राइंग बना सकूँ। थैंक यू। लोगों को इस अखिल भारतीय व्यास महोत्सव के बारे में पूरी जानकारी मिली है, इसमें क्या होता है इस व्यास महोत्सव की पूरी जानकारी? केवल इतनी जानकारी है कि इसमें चित्रकला प्रतियोगिता होती है। ये अखिल भारतीय व्यास महोत्सव महर्षि व्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, इसीलिए उनके द्वारा जो रचित साहित्य है उसके प्रचार के लिए सभी लोग उसके साहित्य को पढ़ें और उनके संदेश को अपनाएं, इसके लिए अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन होता है। चूँकि महर्षि व्यास का संबंध वाराणसी से रहा है और यहाँ पर उन्होंने एक व्यास स्मृति ग्रंथ होता है जैसे मनुस्मृति, उसकी यहाँ रचना की थी। ये उनकी एक कर्मभूमि है, इसीलिए वाराणसी में व्यास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आपको जो विषय दिया गया, जैसे एक विषय था भागवत महापुराण का था, जन्मेजय का सर्पयज्ञ, और जितने विषय थे बृहन्नला के रूप में अर्जुन हो या द्यूत क्रीड़ा का उपक्रम हो, ये महाभारत के प्रसंग होते हैं। सबसे पहले आप उस विषय को पढ़ते हैं जिस विषय पर आपको चित्रकला बनानी होती है, चित्रकारी करनी होती है। इससे आप उनके साहित्य को पढ़ने के प्रति उत्सुक होते हैं, प्रेरित होते हैं, आप व्यास साहित्य को पढ़ते हैं। जब आप उस विषय को पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उस प्रकार से आप इसको चित्रकला को बनाते हैं। व्यास के वाङ्मय का प्रचार कला क्षेत्र में भी हो, संगीत क्षेत्र में, चित्रकला के कला के जो विविध आयाम हैं, वास्तु, सभी जगह सभी क्षेत्र के लोग व्यास साहित्य को पढ़ने और जाने, इसी के लिए व्यास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हाँ, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन
प्रतिवर्ष होता है। यह भारतीय कैलेंडर जो है, हमारी जो काल गणना है, चैत्र, वैशाख, मार्गशीर्ष, इस प्रकार के जो मास हैं, उस मास के आधार पर होता है। तो हर वर्ष मार्गशीर्ष, कहीं कहीं इसको अघन कहा जाता है, ये एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष में आती है, इससे ये आयोजन शुरू होता है। जैसे दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा में दीपावली होती है, होली, भारतीय जितने पर्व त्यौहार हैं, हमारी जो जीवन शैली, जीवन पद्धति है, वो हमारे जो माह हैं, महीना है, भारतीय मास जो है या भारतीय वर्ष है, उसके आधार पर होता है। इसीलिए हम लोग भी अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन भारतीय काल गणना के अनुसार करते हैं, या भारतीय परंपरा जो वर्ष पूर्व से चले आ रहे हैं उसके अनुसार होता है। तो एक दिन है गीता जयंती, जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को गीता जयंती के नाम से कहा जाता है। ये माना जाता है कि उस दिन गीता की रचना हुई थी और उसी दिन से व्यास महोत्सव का शुभारंभ करते हैं। ये नवंबर और दिसंबर दो महीने में ही पड़ता है, कभी नवंबर के लास्ट, कभी दिसंबर में ये होता है। तो जब व्यास महोत्सव में आपको आने का हो, हम कहेंगे आप जरूर आइए, अगले वर्ष की प्रतीक्षा कीजिए, तो अक्टूबर से सूचना आपको मिलने लगती है कि किस दिनांक से शुरू है ये व्यास महोत्सव। और आप फेसबुक पर यदि हो तो हमारा व्यास महोत्सव सर्च कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वहाँ पर, तो वहाँ सूचना मिल जाएगी। मेरा एक वेबसाइट है vyasmahotsav.org, वहाँ भी सारी सूचना है। आपको आना है प्रतियोगिता में, वहाँ ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, हमें सूचना मिल जाएगी, फ़ोन नंबर होगा, हम लोग फ़ोन कर लेंगे आपको कि ये विषय है, वहाँ विषय भी लिखे हैं, पूरी जानकारी वहाँ पर रहती है। यदि आपके विद्यालय तक सूचना नहीं भी जाती है और आप ऑनलाइन देख पाते हैं, हमें लाइक किए हुए हैं फेसबुक पर, व्यास महोत्सव हम लोगों को दिखता है, तो हम उस प्रकार की सूचना देते हैं और आपके स्कूल तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग नेट से जुड़े हैं नेट से, नहीं तो मंजुला मैम संयोजक के रूप में काम करती हैं, यही चित्रकला विभाग है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, चित्रकला ललित कला विभाग के अध्यक्ष हैं, उनसे संपर्क में रहिएगा और हर वर्ष जरूर आइए व्यास महोत्सव में, सभी लोग आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया खुली जरा। अरे क्या बोलना है हमें, जो व्यास का जो महोत्सव होता है, इसमें बच्चों को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस महाभारत के ज्ञान और व्यास के जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसके बारे में बच्चे उसको जाने, और विस्तार से बच्चे के मन में जब ऐसी बातें आएगी तो हम समझते हैं कि बच्चे आगे चल कर बहुत ही अच्छी ज्ञान और अपने समाज में वो व्यवस्था ला दी। बस हमारा यही कहना है बच्चों को, हर साल इसी व्यास महोत्सव के लिए ऐसा ही आयोजन होना चाहिए हर साल। चलिए ठीक है। मैं शैला भारती, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से की शोधक छात्रा हूँ। मेरा विषय था मुगल कालीन संस्कृत नाटकों पर महर्षि व्यास का प्रभाव। रिनी पांडे, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में शोध कर रही हूँ। यहाँ पर व्यास महोत्सव में आने का जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, उसे बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे हम यहाँ पर, मैं शोध प्रतियोगिता में या शोध छात्र संगोष्ठी में मैंने भाग लिया है, और जिसका विषय है मुगल कालीन भारतीय वाङ्मय पर महर्षि व्यास का प्रभाव, अर्थात पूरे भारतीय वाङ्मय को लेकर के जो महर्षि व्यास के प्रभाव को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और बहुत सारे शोध छात्रों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, और उन्होंने केवल संस्कृत साहित्य को नहीं, अर्थात भारतीय वाङ्मय, अर्थात हिंदी और अन्य विषयों को लेकर के जो प्रभाव दिखा